ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के 40 पेज के घोषणा पत्र में जनता के लिए कई बड़े वादे किए गए हैं। इसमें 25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज और महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने का वादा भी शामिल है। मैनिफेस्टो को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, भाजपा ने एक दशक में हरियाणा से उसकी समृद्धि, उसके सपने और शक्ति छीन ली। अग्निवीर से देशभक्त युवाओं की आकांक्षाएं छीन ली, बेरोजगारी से परिवारों की हंसी छीन ली और महंगाई से महिलाओं की आत्मनिर्भरता। कांग्रेस की आने वाली सरकार दर्द के दशक का अंत करेगी। हर हरियाणावासी की उम्मीदों, आकांक्षाओं और ख्वाबों को पूरा करना हमारा संकल्प है। हरियाणा को लेकर चुनावी मैनिफेस्टो में किए गए वादों की लिस्ट भी राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में शेयर की। इस लिस्ट के मुताबिक कांग्रेस के वादे इस तरह से हैं, 2 लाख पक्की नौकरियां, नशा मुक्त हरियाणा, 25 लाख तक का मुफ्त इलाज, महिलाओं को 2000 रुपए प्रति माह, गैस सिलेंडर 500 रुपए में, गरीबों को 100 गज का प्लॉट, 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरों का मकान, बुजुर्ग, विधवा व दिव्यांग पेंशन 6000 रुपए, ओपीएस बहाल, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, किसानों को एमएसपी की गारंटी, तत्काल फसल मुआवजा और जाति जनगणना, क्रीमी लेयर की सीमा 10 लाख रुपए। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए एक मजबूत खेल नीति लाने का वादा भी किया है, ताकि राज्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा सके। साथ ही अल्पसंख्यक आयोग के गठन की भी घोषणा की है। घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि सभी वादों को पूरा करने की हर संभव कोशिश की जाएगी। ये मैनिफेस्टो जनता को पूछ के बना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको, प्रदेशवासियों को भी, जो कमिटमेंट किए गए हैं, वादे किए गए हैं, आप जानते हैं कि कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी है, जो वादा करती है वो निभाती है, निभाने का प्रयास भी करती है। बीजेपी खाली बिना तथ्यों के बात करती है, बिना आधार के बात करती है, इतना फर्क है। 10 साल का शासन जो कांग्रेस का था और 10 साल शासन जो बीजेपी का था अभी हाल ही में, अभी है, आपको मालूम रात दिन का फर्क है। तो मैनिफेस्टो में समझता हूँ कि बहुत सोच समझ के बनाया गया और गीता बुकली ने विस्तार से भी आपको बता दिया। मैं यही बात कहना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहे, कांग्रेस सरकार बनेगी, उसके बाद में मैनिफेस्टो पे चर्चा होगी, आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे, कौन सी वादा किया गया, वो वादा आगे बढ़ा नहीं बढ़ा है, क्यों नहीं बढ़ा है। मैं समझता हूँ कि बहुत ठंडा तरीके से वादे निभाएंगे, यही बात मैं कहता हूँ। धन्यवाद।